my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. दोस्तों तो स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं एक झरने के पास, और वो झरना काफ़ी खूबसूरत है और कभी हमने देखा तो है नहीं। फिलहाल लोग मानते हैं कि खूबसूरत है तो हम बोल रहे हैं खूबसूरत है। तो चलिए अब उस झरने को आपको दिखाते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे देखिए आप, शिवलिंग बना हुआ है और यहाँ पे हमारे भोले बाबा विराजमान हैं। और फिलहाल अभी हम 7 साल के लिए चल रहे हैं और यहाँ से फिर शुरू हो जाता है प्यारा सुंदर पहाड़। और यहाँ पे नीचे भी एक ताल है, अभी ये देखिए अभी पानी है, शायद ये सूख भी जाता है। दोस्तों तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तार लगा दिया क्योंकि अब उधर से बोल रहे हैं कि उधर से है रास्ता, जबकि यहाँ से भी है रास्ता, और वो उसके लिए 10 रुपये मांगते हैं। दोस्तों तो फिलहाल अभी हम झरने की तलाश में निकल गए हैं और यहाँ से ये पानी जा रहा है। मेरा दोस्त बोल रहा है कि यही पानी आगे जाके झरना बन जाता होगा, लेकिन इतना कम सा पानी आगे जाके झरना कैसे बन सकता है। ये झरना तो यहीं ख़त्म हो जा रहा है। तो फिलहाल अभी हम आगे चल रहे हैं और यहाँ पे हमें लंगूर दिख रहे हैं और अभी हम डाइव मारेंगे। यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, ये पानी जाता है नीचे। और यहाँ पे एक ताल भी है यहाँ आगे पे, ये ताल मतलब बरसात के टाइम पे भरा रहता है और क्या बोलते हैं, ये गर्मियों में सूख जाता है। दोस्तों तो फिलहाल ये ताल देख सकते हैं, ये ताल अभी फ़िलहाल सूख चुका है और यहाँ जो पानी आ रहा है इधर से आ रहा है, ये मतलब वहाँ 7 ताल से एक काटा हुआ है पतला सा और वहीं से ये पानी मतलब इधर को आ रहा है। ये ताल मतलब सूख जाता है और ये सर्दियों में मतलब बरसात के टाइम पे तो भर जाता होगा क्योंकि है तो ये स्लोप में। तो ये है वो ताल जो कभी भरता है तो कभी सूखता है। दोस्तों तो फिलहाल अभी हम झरने की तलाश में निकले हुए हैं और लगभग 15-20 मिनट से चल रहे हैं और हमें झरना नहीं मिला। बस मिले हैं तो ये टूटे फूटे पेड़, और ये कुछ पेड़ रास्ते में गिरे हुए हैं, पता नहीं आधी तूफान से गिरे होंगे, क्या पता कब गिरे। और अभी हम झरना ढूंढ के रहेंगे और आपको भी झरना दिखा के रहेंगे कि 7 ताल में कहाँ है वो झरना, जिसे मतलब बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आज हम भी जानेंगे और आपको दिखाएँगे और बताएँगे। दोस्तों तो फिलहाल हमें पानी की आवाज़ आने लगी है और यहाँ पे देख सकते हैं खाने होने के लिए भी बनाया है बहुत लोगों ने। और यहाँ पे पेड़ देख सकते हैं, पेड़ के ऊपर पेड़ लगे हुए हैं। और ये डस्टबिन वाले रास्ते को हमें फॉलो करना है, अंकल जी ने कहा है, और उसी रास्ते से हमें झरने में जाना है। और वहाँ की फीस फिलहाल 10 रुपये। और रास्ता तो काफ़ी तंग भरा है, देख सकते हैं पूरा रास्ता ऐसा है, पूरा मतलब ढलान सा है। और काफ़ी अच्छा हवा बहुत अच्छी चल रही है, पाँव स्लिप कर रहे हैं जिस वजह से। दोस्तों तो फिलहाल हमें पानी का स्रोत दिख गया है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और पानी कहाँ से आ रहा है पता नहीं है। पूरे रास्ते भर तो हमें पानी मिला नहीं और फिलहाल मेरा दोस्त आगे निकल चुका है और नीचे पे काफ़ी लोग हैं। तो आपको हम नीचे लेके चलते हैं और पूरा झरना दिखाते हैं। दोस्तों तो फिलहाल हम जिस झरने की उम्मीद कर रहे थे वो झरना तो मिला नहीं। ये झरना देखने के लिए हम 2-3 किलोमीटर नीचे आए हैं। ये देखिए शायद एक झरना नीचे भी है, क्या पता उस झरने में कितना पानी आ रहा हो। तो अब हम नीचे वाले झरने में चलते हैं और वो वाला झरना भी दिखाते हैं। फिलहाल ये झरना देख के मन दुखी हो गया और रास्ता देखिए आप, मतलब पाँव काफ़ी स्लिप करने वाला है, तो यहाँ संभल के चलना है। और नीचे झरना काफ़ी बड़ा है शायद। दोस्तों तो फाइनली हम झरने के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप पीछे झरना देख सकते हैं, काफ़ी आवाज़ हो रही है पानी गिरने की। और यहाँ पे काफ़ी सारे कंडाली के पौधे हैं, मतलब जो लगते हैं और चिमराहट मचती है उसे लगने के बाद। लगभग 24 घंटे तक मस्ती है वो चिमराट। तो फिलहाल यहाँ के पत्तों से भी आपको बच के रहना पड़ेगा। और अभी हम यहाँ बीच में जाएंगे और बीच से आपको झरने का पूरा दिखाते हैं दोस्तों। तो फिलहाल ये झरना देख सकते हैं हमारे पीछे, और यहाँ पे भाई लोग आए हैं नहाने के लिए। और यहाँ पे ये वाली है, ये है कंडाली। ये लगने के बाद बहुत ज़्यादा चिमराहट मस्ती है और 24 घंटे तक। तो ये झरना है, इसे देखने के लिए आपको 10 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। फिलहाल मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अब हम चलते हैं उस पार फिलहाल। तो दोस्तों फाइनली आप यहाँ इधर पीछे हमारे झरना देख सकते हैं। और फिलहाल मुझे कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं कि 10 रुपये इसके लिए खर्च करें। और आपको ये झरना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइएगा कि ये झरना आपको कैसा लगा। थैंक यू।